की काल, गुंडागर्दी बंद करो। बीजेपी सरकार अंबाला छावनी में चल रहे निर्माण कार्यों में करोड़ों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप नेत्री चित्रा सरवारा की अगुवाई में आप कार्यकर्ताओं ने फुटबॉल चौक पर धरना प्रदर्शन किया और घोटालों की जांच सीबीआई या किसी नेशनल एजेंसी से करवाने की मांग उठाई। आम आदमी पार्टी ने इस विरोध प्रदर्शन में इंटरनेशनल फुटबॉल स्टेडियम के निर्माण में बड़े घोटाले का मुद्दा जोर शोर से उठाया। चित्रा सरवारा ने कहा कि इस स्टेडियम के निर्माण में शुरुआती लागत से कहीं ज्यादा घोटाला हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ एक्शन की बात तो करती है, लेकिन दूसरी ओर यही सरकार घोटालेबाजों को संरक्षण भी दे रही है। जो मुद्दा था स्पेशली खास तौर पे स्टेडियम से जुड़ा हुआ, वो 2 महीने पहले तकरीबन खुला है और उसमें बहुत से सवाल उठाए गए थे। 2 महीने पहले भी जब हमारा यहाँ पे जो ये फुटबॉल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, 115 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट है, उस वक्त ये दावा आया था कि 46 करोड़ का इसमें गबन घोटाला, किसी तरह की गड़बड़ हुई है और मात्र अधिकारियों में और ठेकेदार के बीच में इस पूरी जो है पूरी शिकायत को घुमाया जा रहा था। 2 महीने पहले हमारी एक ही मांग थी, जिसमें हमने हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी को और गृह मंत्री और हमारे स्थानीय यहाँ के मंत्री अनिल विज जी से, जो उस वक्त स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जब इस स्टेडियम से जुड़े हुए मैक्सिमम घोटाले की पेमेंट्स हुई हैं जो कि 2017 से लेकर 2019 तक, हमने उनको एक चिट्ठी लिखी कि इस मामले को ऐसे रफा दफा ना करा जाए, ये बहुत उच्च स्तरीय घोटाला है, इसमें उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। यही चिट्ठी हमने पीएम को भी लिखी और होम मिनिस्टर इंडिया को भी लिखी थी। उन पर कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई गई। एक लोकल हम कहेंगे एक स्थानीय एक तरह की कमेटी बना दी गई 6 मेंबर की, जो अभी इसके बारे में उसकी सारी फाइंडिंग्स क्लियर किसी को आज तक नहीं हुई हैं। कुछ 2 महीने बाद आज इस घोटाले की कीमत कथित तौर पर जो एस्टिमेशंस सर्वे करने वालों के, इसमें इंक्वायरी करने वालों के, उनके शब्द ये हैं कि ये 66 करोड़ का घोटाला है, जो कि मैं कहूँगी तकरीबन 57% ऑफ द स्टेडियम कॉस्ट इसमें आज घोटाले की उस पर है। स्टील जो मंगाया गया उसके रेट दुगने तिगने करे जा चुके हैं। जो उसमें अमाउंट आनी थी वो आनी थी 33,000 क्विंटल और यहाँ पे जो मंगाई गई कागजों में जो वो देख पा रहे हैं वो 13,500 क्विंटल, यानी कि 20,000 क्विंटल उसमें से गायब है, और जो लगी पाई गई है जो इसमें लिखा हुआ है वो है तकरीबन 3,000 कुछ क्विंटल, 3,200 क्विंटल। तो ये तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे 10% ही कागजों पे लिखा आ रहा है कि यहाँ लगा हुआ है। सबको पता है स्ट्रक्चरली ये अनसेफ हो चुका है। ये जो गबन घोटाला हुआ है, हम आज किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। हमने 2 महीने पहले भी एक ही बात कही थी, हम मांग कर रहे हैं उच्च स्तरीय जाँच की, कैग ऑडिट हो, सीबीआई हो या जुडिशियल इंक्वायरी हो। 2 दिन पहले भी हमारी यही मांग थी, आज भी यही मांग है, और अगर हमारी स्टेट सरकार इस पर कदम नहीं उठाती, राष्ट्रीय सरकार कदम नहीं उठाती, तो हम यही मांग करते रहेंगे। सरकार जो ये जांच से बच रही है, हम कह रहे हैं किसे बचा रही है? ऐसा नहीं हो सकता अफसरशाही क्या हरियाणा में इतनी तगड़ी है कि ऐसे ऐसे करोड़ों करोड़ों के घोटाले एक ही में कर दिए जाएँ। और एक और बात जो खुल के सामने आई है, एक ही कंपनी है मेसर्स गर्ग एंड को, जिसे तकरीबन सुनने में आया 60% हरियाणा के, उसको 60% जो है सारे टेंडर्स मिले हुए हैं, मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में 25% के करीब मिले हुए हैं। यहाँ अंबाला में हर मेजर प्रोजेक्ट जिसमें घोटाला आया है वो वही कंपनी कर। चित्रा सरवारा ने इंटरनेशनल स्टेडियम सहित कई निर्माण कार्यों में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार इन घोटालों की उच्च स्तरीय जांच करवाए, वरना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।